बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेल जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन और एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, उसको बोलते हैं हम सेल। अब एक सेल जो होता है उससे बहुत कम धारा बहती है सर्किट में, तो ये धारा का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को कंबाइंड करके जोड़ते हैं, उसको बोला जाता है बैटरी। जैसे आप देखते होंगे टॉर्च वगैरह में दो तीन सेल डलते हैं, है ना? तो क्यों डलते हैं, क्योंकि एक से जो धारा होती है वो बहुत कम होती है। धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन उसका किया जाता है, और कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी। तो सेलों का संयोजन आपने तीन तरह का पढ़ना है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और एक मिश्रित क्रम। इनके डेरिवेशंस नहीं करने हैं आपको, सिंपली इनके फॉर्मूलेज करने हैं। तो श्रेणी क्रम जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे सेल में भी होता है कि एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड जहां खत्म हुई उसके बाद जोड़ा जाता है दूसरे का पॉजिटिव, फिर दूसरे का नेगेटिव जहां खत्म हुआ वहां तीसरे का पॉजिटिव। तो सेम इसी तरीके से जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप डायग्राम देखिए, तो डायग्राम देखिए, श्रेणी क्रम में ये एक सेल है। अब सेल है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है साथ में, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है और आंतरिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। अब हमने ये माना कि हर एक जो सेल है इसका जो विद्युत वाहक बल है ई है, और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है आर। ये धारा आई बह रही है, और ये जो है जिस तार से जुड़े हुए हैं उस तार का बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर। तो जो धारा होती है आई होती है, आपको पता है, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। सपोज एन सेल है तो क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर। आर को हम एन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो बाह्य प्रतिरोध है वो तो एक ही है, तो आर प्लस एन आर, क्योंकि सब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो ये आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस आर। अब इसमें दो स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति अगर हम ये लें कि जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान आंतरिक प्रतिरोध के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो जो एन आर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आई का मान क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर, यानी कि एन और साथ में ई अपॉन आर। तो एन और साथ में एक सेल के कारण धारा। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब सेलों को जोड़ा जाता है तो आई का मान जो है वो काफी बढ़ जाता है, पर कंडीशन क्या है कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम है तो हम क्या करेंगे, आर को अब जीरो मान लेंगे। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल आउट। तो इसका मतलब तब जो आई का मान आएगा वो आएगा ई अपॉन आर, जो एक सेल से प्राप्त धारा है। तो अगर हमने बहुत सारे सेल जोड़ दिए और श्रेणी क्रम में जोड़े, पर वो सेल ऐसे हैं कि उनका जो बाह्य प्रतिरोध है इसका मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम है, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल जोड़ने पर भी उतनी धारा मिल रही है जितनी एक सेल जोड़ने पर मिलती है। तो अगर हमें ज़्यादा धारा का मान चाहिए, हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आर यानी कि बाह्य प्रतिरोध का मान जो है वो आंतरिक प्रतिरोध के मान से अधिक, बहुत अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि समांतर क्रम में आपको पता है
कि जो सेल के पॉजिटिव साइड हैं वो सब एक तरफ हो जाते हैं और जो नेगेटिव साइड हैं वो सब एक तरफ हो जाएंगे। तो जो फॉर्मूला आएगा, धारा बराबर क्या होता है, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1 अपॉन आर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एंड सो ऑन। तो आर एन का मान जो है इनको ऑपोजिट करके आएगा, तो आर अपॉन एन, यहाँ पर आर अपॉन एन, और आर क्योंकि बाह्य प्रतिरोध है तो वो तो सिर्फ एक ही है, तो इसलिए आर को हम एन नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन जो है, अगर जैसे श्रेणी क्रम में हमने किया कि अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत ज्यादा है तो आर अपॉन एन को हम क्या कर देंगे, जीरो ले लेंगे। तो आई का मान क्या होगा, ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा। मतलब अगर हमने सेलों को इस तरीके से जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा, और सेलों का जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि तब भी उतनी धारा मिलेगी जितनी एक सेल से मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से कम हो तो हम क्या करेंगे, आर को जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर आर अपॉन एन आएगा, एन ऊपर जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन आर, एन इंटू एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ऐसा सेल हो जिनका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा हो तो हमें किस क्रम में उन्हें जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो तो हमें सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। एक और इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है समांतर क्रम में, पहले तो हमने कंडीशन ये ली थी कि जो सारे सेल हैं उनके विद्युत वाहक बल एक जैसे हैं। अब अगर विद्युत वाहक बल भी अलग अलग हो तो फॉर्मूला ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री प्लस एंड सो ऑन, जितने भी सेल हैं, अपॉन वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस एंड सो। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित का मतलब होता है कि सेल जो है वो श्रेणी क्रम में भी लगे हुए हैं प्लस सेल समांतर क्रम में भी लगे हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एन सेल है, ये तो श्रेणी क्रम में है, इस तरीके से कई रोज बन गए हैं और इन सब रोज को जो है वो समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, मैंने पहले भी बोला है कि आपको इनके डेरिवेशंस नहीं करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। तो अगर हमें धारा मैक्सिमम चाहिए तो धारा मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, धारा मैक्सिमम के लिए जो एम आर प्लस एन आर है इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तो एम आर प्लस एन आर का मान क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ के नियम करेंगे।